147 हैंडपंप और ये जो 60 किलोमीटर रोड बताइए, 3.5 किलोमीटर सड़क निर्माण। मैडम हम आपकी निधि की बात कर रहे हैं, टोटल रुपया बता दीजिए। ना ना, अरे निधि सही है, आप ये बताओ। 60 किलोमीटर वो नहीं है, वो ऐड नहीं है, वो नहीं इसमें ऐड है। आप निधि का आप ध्यान से सुन लीजिए, 416 सोलर लाइट, 147 हैंडपंप, 23 विद्यालयों के लिए भवन निर्माण या शौचालय है, 25,83,000 रुपए विद्युतीकरण, 6,45,000 गरीबों के इलाज हेतु इलाज है, तो 2,25,00,000 सरदार पटेल की स्मृतिवार के लिए, 5,95,000 और स्वर्गीय बाबू सिंह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ये स्मृति द्वार अंधेरी में 1,50,000 सरकारी ये अपनी विधायक निधि से बनवाया मैंने, यही काम नहीं है मेरे विधायक से। रायबरेली का डिटेल दे दीजिए, रायबरेली में कितना आपने दिया? हाँ तो आप रायबरेली का सुन लीजिए, 105 सोलर लाइट, 52 हैंडपंप और वहाँ पर हमने छोटी सड़क अपने विधायक निधि से भी बनवाई है, 1.5 किलोमीटर सड़क का निर्माण, 33 विद्यालयों के लिए हमने सहयोग किया है, छोटा छोटा कहीं फर्नीचर है, कहीं लाइब्रेरी है, वही तो जानना चाह रहे हैं। अरे अभी दावा किया कि हरदोई को ज्यादा मिला, हाँ आप कैलकुलेट कर लीजिए, इसमें लिखा भी है, बिल्कुल पढ़ लीजिए, आप सब ब्रोशर दे दो सबको, ये वाले 18 साल आपके परिवार को मौका मिला, सुन लीजिए, 18 साल आपके परिवार को मौका मिला, अब इस चुनाव में आपको ये बताना पड़ रहा है कि वो कांति सिंह अलग हैं, ये कांति सिंह अलग हैं, माने इन कांति सिंह को जो एमएलसी हैं उन्हें लोग पहचानते नहीं हैं, तो किस हक से आप मौका मांग रहे हैं? पहचानते सब हैं, वोटर में कहीं वो थोड़ो होता कौन कांति सिंह है, सब पहचान जाएंगे आपको, मैं बता दूंगा सर, मैं पूरी बात हो जाने दीजिए, मैडम को बताने दीजिए, अभी आप पद पर नहीं है, मैडम को बता लीजिए, मैडम को बताने दीजिए, मैं भी बताऊंगी, आप भी बताएंगे, आप बताएं, पहचानने की रही बात, कंफ्यूजन करने के लिए जो नए प्रत्याशी आए हैं क्या, ताकि हमारा स्नातक वोटर कंफ्यूज हो जाए, हमारा कहने का उद्देश्य ये है, ताकि आप लोगों के माध्यम से, हमारा तो पहले से नाम है, मैंने काम किए हैं, आप लोगों के माध्यम से ये संदेश जाए, कांति सिंह जो कांति सिंह हैं पत्नी एसपी सिंह, ताकि हमारा वोटर कंफ्यूज ना। बुद्धिजीवियों का चुनाव है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का नाम मालूम है आपको, हरदोई के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का नाम? बिल्कुल मालूम है, क्या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तो बदलते ही रहते हैं, बताइए ना नाम। अब आप नहीं नहीं, मेरी बात समझिए, अभी खड़े भी थे और खड़े जी के बाद नए वाले भी आए हैं, पुलकित खड़े अभी तक अब नए मजिस्ट्रेट आए हैं, तो अरे आप लोग परीक्षा ले रहे हो मजिस्ट्रेट से, आप ये कोई बात नहीं, वो तो डीएम टू डीएम होता है, ठीक है, नहीं मालूम, बताइए। एक सवाल और है हमारा आपसे, कि क्योंकि आप ग्रेजुएट स्नातक के लिए चुनाव लड़ती हैं, विधान परिषद में आपने स्नातकों के लिए कौन से ऐसे मुद्दे या कौन सा ऐसा विधेयक पास कराया, हमको केवल दो के नाम बता दीजिए। मैंने मुद्दे उठाया लेकिन विधेयक पास नहीं हुआ, यहाँ पर कोई रूल ऐसा नहीं है कि हमारे स्नातकों के लिए विधेयक पास है, मैंने प्रयास कर सकती हूँ, सूचनाओं के माध्यम से मैंने प्रयास किया, हम वही विधेयक जानना चाहते हैं कि कौन से आपने पर्सनल, भाई मैंने कहा वित्त विहीन स्कूलों के शिक्षक युवा हमारा होता है, मैंने सन 2016 में 200 करोड़ का बजट पास कराया, कोई ऐसे नहीं कोई बात, रात के 11 बजे तक मैं धरने पर रही हूँ, तो युवा है, शिक्षक है, वित्त विहीन है, तो स्नातक तो है ही है, स्नातकों के लिए तो काम कर रही हूँ। एसपी का तो नाम मालूम होगा आपको हरदोई के? नहीं, आप एसपी का नाम करती रही बात, जब बताया ना प्रियदर्शी थे, इसके बाद बदलते रहते हैं, हर हम अनुराग वत्सी हैं इस टाइम के प्रेजेंट हैं। अच्छा, बुद्धिजीवियों का चुनाव है ये? हाँ, का बिल्कुल, चुनाव बिल्कुल। आपसे ज्यादा पढ़े लिखे प्रत्याशी हैं, ठीक है, आपको वोट लोग क्यों करें, और आपकी तालीम क्या, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? आपसे ज्यादा योग्य प्रत्याशी हैं तो आपको वोट क्यों करें, जो वोटर है, मैं भी वोटर हूँ, मैं वोट क्यों करूँ आप? मैं जनता के लिए काम कर रही हूँ, जनता के लिए काम करती रही हूँ, करती रहूंगी, वो भी काम करेंगे ना, स्पेशल क्या है? स्पेशल क्या, मैं बेटियों महिलाओं के लिए, मैंने आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिला सशक्तिकरण पर कार्य किए हैं, और मेरा पूरा विश्वास है कि मैं युवाओं के लिए और स्नातकों के लिए मैं कार्य कर रही हूँ।
अरे तो कैसे सिस्टम में सुधार करवा रही है, हर क्षेत्र में काम, क्योंकि मैं शिक्षा जगत से जुड़ी हूँ, शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई हूँ। सपने और रोजगार की राहें, ये किताब लिखी गई है, इस पर कितना समय लगा है, जो हम युवाओं को इससे प्रोत्साहित होते उनको रोजगार मिलेंगे। मैडम आपका ये नहीं है, क्यों नहीं मिलते? अरे हम हजारों हजारों पेपर लेटर दिए जाते हैं भाई। मैडम ये अपने शिक्षित प्रोफेसर में ही रायबरेली में सबसे ज्यादा निधि का यही हमने पढ़ा था, इसलिए आपसे सवाल करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपका दावा था कि हमने हरदोई बहुत खर्च किया, रायबरेली में सबसे ज्यादा है, जिसको आप दावा कर रहे थे कि हमने हरदोई में बहुत खर्च किया, रायबरेली में आपका 1.5 करोड़ का लगभग। अरे भैया ये तो विधायक निधि है, सांसद योजनाओं के थ्रू भी काम होते हैं, सोलर लाइट हाँ हैंडपम्प करवाई पाते हैं। गल्लू दादा के यहाँ 15 साल पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की, गल्लू दादा के आपने कहा था एक यहाँ कॉलेज बनवाएंगे हरदोई में, लेकिन अभी तक कॉलेज नहीं। मैडम प्रेस नोट आपका है, इसकी हेडिंग जो है आपने शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार दिलाने की प्राथमिकता बताइए, अभी तक कितने शिक्षित बेरोजगारों को आपने रोजगार दिलाया अपने माध्यम से? हजारों हजारों बताया ना, हजारों में कई हजार, क्योंकि आंकड़े आपको हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हम फेर बताया ना हम हर स्तर पर। मैडम कुछ नाम बता दीजिए। अच्छा वर्बली क्या है बताएं, वर्बली तो लिखा पड़ी नहीं है, लेकिन हजारों की संख्या में कोरोना काल में हाँ आपने मदद की बिल्कुल, ये बताइए कि अभिभावकों की सबसे बड़ी परेशानी है, 3 महीने की लॉकडाउन के दौरान किस माफी का मतलब भैया पूरी जो हो सकता है वो किया गया है, कंसेशन किया गया है, कंसेशन किया गया है।